નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? આજ હમ હિન્દીને અ લિખના શીખેંગે. ઓકે, ઓર અ સે ક્યા હોતા હે? અનાર. અ સે અનાર. અનાર યાની કે દેખો, યે યે ક્યા હે? અનાર હે. દેખો, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट. और गुजराती में क्या कहते हैं? डाडम. और वो अ से स्टार्ट होता है, उसका नाम अनार. ओके, तो अब हम अ राइट करना सीखेंगे. तो ओके, तो पहले अ कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे. तो पहले क्या करना है आपको? आधा सर्कल करना है. ओके, फिर आधा सर्कल, फिर दूसरा आधा सर्कल. ओके, फिर आधा सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन. बीच में स्लीपिंग लाइन करती है. फिर से आधा सर्कल, फिर उसके बाद दूसरा आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, और फिर एक स्टैंडिंग लाइन. फिर आधा सर्कल, फिर आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर ऊपर फिर से स्लीपिंग लाइन. तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ. और आपको ये कितनी बार यहाँ पे लिखना है, जैसे फिर से आधा सर्कल, दूसरा आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन. फिर से आधा सर्कल, दूसरा आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर से स्लीपिंग लाइन. ओके, फिर यहाँ पे फिर से आधा सर्कल, फिर आधा सर्कल, फिर दूसरा आधा सर्कल, फिर यहाँ पे एक आधा सर्कल, दूसरा आधा सर्कल, और स्लीपिंग लाइन. फिर यहाँ आधा सर्कल, दूसरा आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन. फिर आधा सर्कल, दूसरा आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन. फिर से आधा सर्कल, आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन. आधा सर्कल, पूरा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन. ओके, तो यहाँ पे हमने दो बार ये कैसे अ लिखते हैं वो सीखा. फिर यहाँ पे आपको अ फिर से ये लिखना है. आधा सर्कल, फिर से आधा सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन. देखो, ऐसे आपको बार बार जो आपकी बुक में ब्लैंक दी है ना, वहां पे आपको लिखना है. ओके, फिर उसके नीचे दूसरा अ दिया हुआ है. देखो कितने अ दिए हुए हैं, 5 ऐसे अ दिए हुए हैं. तो उसमें आपको रंग भरना है, यानी कि उसमें कलर करना है. ओके, जितने भी अ है उसमें आपको अ करना है, और बाजू में अनार का चित्र दिया हुआ है, तो अनार में भी आपको कलर करना है. ओके, फिर उसके नीचे कई सारे वर्ड दिए हुए हैं, उसमें आपको अ ढूंढ के उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. ओके, तो उसमें पहला वर्ड कौन सा है? अब. कौन सा वर्ड है? अब. तो उसमें अ लेटर कहाँ पे है दिखाओ? राइट, कहाँ पे है? फर्स्ट में ही है, तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी है अ. फिर उसके बाद क्या है? अ म र. क्या लिखा हुआ है? अ म और र. तो यहाँ पे अ कहाँ पे है? फर्स्ट में, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है अ के नीचे. फिर कौन सा है? अ ज य. तो उसमें अ कहाँ पे लिखा है? फर्स्ट में ही है अ, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. ओके, फिर अदरक. अदरक, अदरक, देखो यहाँ पे अदरक का चित्र भी दिया हुआ है. अदरक, तो उसमें अ के नीचे अंडरलाइन करनी है अदरक. ओके, फिर अजगर. अजगर, तो यहाँ पे भी देखो अजगर का चित्र दिया हुआ है, देखा? तो यहाँ पे अ के नीचे
न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, तो इसमें भी अ आता है ना, तो यहाँ पे अ के नीचे अंडरलाइन आएगी। ओके, फिर अमरूद, देखो अमरूद का चित्र दिया हुआ है, तो उसमें भी यहाँ पे अ के नीचे अंडरलाइन आएगी, अमरूद। फिर अनानास, फिर क्या लिखा है, अनानास, और देखो वहाँ पे अनानास का भी चित्र दिया हुआ है, देखा, तो यहाँ पे भी अ के नीचे अंडरलाइन आएगी, अनानास। ओके, तो यहाँ पे हमने लेटर अ सीखा, और जो ये है ना एक्स्ट्रा वर्ड, वो आपको अपनी फ्रेंड ने लिखने हैं। ओके, जो ये एक्स्ट्रा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो आपको फिर बुक में लिखना है, और ये सारा जो यहाँ पे ब्लैंक दी है आपकी बुक में, वो यहाँ पे पूरा अ अ अ ऐसे लिखना है आपको, और जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, और ये अ से अ है इसमें आपको कलर करना है। ओके, तो यहाँ पे लेटर अ कंप्लीट हुआ। ओके, हमने अ सीखा, अब हम आ सीखेंगे। ओके, तो आ कैसे होता है, देखो ये क्या है अ, इसके साथ हमें ये स्टैंडिंग लाइन एक मिलाएंगे। ओके, साथ एक स्टैंडिंग लाइन हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ, क्या बनेगा, आ, देखो क्या बनेगा, आ बनेगा, और फिर आ से आ, यानी कि मैंगो, अब सबको बहुत पसंद है ना आम, तो आ से होता है आम। ओके, तो अब हम आ कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, तो यहाँ पे देखो अ, अ तो हमने सीख लिया वो कैसे लिखना है, तो अ वी, उसके साथ हमें एक स्टैंडिंग लाइन मिलानी है, तो क्या बनेगा अ, और फिर दूसरी स्टैंडिंग लाइन, तो क्या बनेगा आ, क्या बनेगा आ, तो यहाँ पे फिर आपको राइट करना है अ स्टैंडिंग लाइन आ, अ स्टैंडिंग लाइन आ, अ स्टैंडिंग लाइन आ, ऐसे आपको लिखना है अ स्टैंडिंग लाइन आ। ओके, फिर से अ, फिर उसके साथ क्या मिलाना है, एक स्टैंडिंग लाइन मिलानी है, तो क्या बनेगा आ, तो आपको यहाँ पे भी राइट करना है आ, 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 ओ करना है, फिर दूसरी एक लाइन करनी है, तो क्या बनेगा आ, फिर यहाँ पे भी लिखना है आ, आ, जितनी ब्लैंक दी हुई है उसमें आपको आ आ लिखना है, फिर नीचे फाइव ऐसे आ दिए हुए हैं, देखा आपने, और बाजू में आम का चित्र दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको कलर करना है, जो फाइव टाइम आ लिखा है ना उसमें भी कलर करना है आपको, और फिर आम है उसमें भी आपको कलर करना है, जो आपका फेवरेट कलर हो वो आप उसमें करना। ओके, फिर उसके नीचे वर्ड दिए हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है पता है, उसमें आपको आ फाइंड करके उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, तो उसमें पहला क्या है, देखो यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है उसका, क्या है आ, तो उसमें आ है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, तो आगे नीचे यहाँ पे अंडरलाइन आएगी आ। ओके, फिर क्या है आज, देखो चित्र का दिया हुआ है वहां पे टुडे, टुडे यानी कि आज, तो यहाँ पे आ है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आज। फिर कौन सा चित्र दिया हुआ है, आटा, आटा यानी कि फ्लोर, उसको इंग्लिश में फ्लोर कहते
आवाज तो उसमें आ है, उसके नीचे अंदर लाइन आएगी। फिर कौन सा है, देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है पोटेटो यानी के आलू। तो आप ही बताओ यहाँ पे हमें किसके नीचे अंडरलाइन करनी है, इसके नीचे करनी है या इसके नीचे? राइट, इसके नीचे आएगी आ के नीचे आ। फिर आठ यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। तो उसके उसमें आठ लिखा है तो उसमें आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे आठ। ओके, फिर आईना। फिर कौन सा चित्र है, आईना यानी कि मिरर। मिरर को हिंदी में आईना बोलते हैं, तो यहाँ पे आ है उसके नीचे लाइन करेंगे आईना। ओके, फिर आस